तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और न्यूज 18 लगातार आपको दिखा रहा है मतगणना से जुड़ी हुई हर एक अपडेट। सबसे पहले कहां हो रहा है जश्न, कहां उतर गए हैं चेहरे, वो तस्वीर भी आपको न्यूज 18 नेटवर्क दिखा रहा है, क्योंकि सुमित चुनाव मतलब न्यूज 18। बिल्कुल बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, हर एक सीट का हाल सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अपना। और लगातार दिग्गज भी, चाहे वो सीएम शिवराज हो, सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, न्यूज 18 पर ही अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 18। बहनों के लाडले भैया लीडिंग टैली में नजर। देखिए मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। सबसे बड़ा सरप्राइज दे रहा है छत्तीसगढ़, वहां पर भी कमाल हो गया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। अब हम देख रहे हैं कि 162 सीटें रुझानों में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये तो चुनाव मतलब न्यूज 18, और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं 8:03 पर हमने आपको दिखाया था पहला रुझान, और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, और आखिरी नतीजे तक ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। सुमित बिल्कुल, लगातार कवरेज जारी है जब तक कि आखिरी नतीजा नहीं आ जाता। सबसे पहले 8:03 पर हमने पहला रुझान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजल्ट दिखाया। 10 बड़ी बातें मध्य प्रदेश में मतगणना की, 10 बड़ी बातें। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से जीते, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर है, 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान जीते, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की, बुरहानपुर से जीती हैं अर्चना चिटनिस, ये मतगणना की बड़ी बातें। होशंगाबाद से सीता शरण शर्मा ने जीत हासिल की है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीत चुके हैं, बिल्कुल पीसीसी अध्यक्ष, बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा, पन्ना से मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, छत्तीसगढ़ की 10 बातें। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, प्रचंड बहुमत की ओर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी है। अपना सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत हारे हैं, कोंडागांव से मोहन मरकाम हारे, देखिए बड़े चेहरों ने यहां पर हार हासिल की है, राजनांदगांव से लेकिन डॉक्टर अमन सिंह को मिली है जीत, बिलहासा धर्मलाल कौशिक आगे हैं। बिल्कुल, और अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। पाटन से सीएम भूपेश बघेल आगे हैं, जीत की ओर है वो। रामपुर से ननकीराम कंवर पीछे चल रहे हैं, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू भी पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़े फैक्टर हैं जो। और हिंदी बेल्ट में एक बार फिर लहराया है भगवा परचम, और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए, ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहा है किस तरह से भगवा परचम एक बार फिर लहराया है, कितना किसका आंकड़ा सुमित। बिल्कुल, राहुल गांधी यहां पर टाटा बाय बाय करते हुए, 33 सीटें हैं, एक अन्य के खाते में सीट है। छत्तीसगढ़ का ये सूरत हाल है, 90 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी 56 सीट पर आगे चल रही है, 33 पर कांग्रेस है और एक पर अन्य, 56 सीटों पर 56 इंच का सीना आ गया, यहाँ पर 56 इंच का सीना यहां भी आ चुका है, 41 पर बीजेपी आगे है, 15 जीत चुकी है, टोटल 56 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी का कटआउट आपको नजर आएगा, 33 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे है, एक अन्य जी। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से बीजेपी से भी लगातार हम जो नतीजे आ रहे हैं उन पर विश्लेषण कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें। नेहा बग्गा जी, सच बता दीजिए, मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जीत और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा उलटफेर, क्या वाकई उम्मीद थी? देखिए, एक बात तो जनता ने तीनों ही राज्यों में ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन जन की भावनाओं का ध्यान रखती है, जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मिलता है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और तमाम सारी जो योजनाएं हैं
मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से परिश्रम किया है आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। भाजपा जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आज उसका कैडर जो परिश्रम करता है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में चलाई है जब जब सत्ता में रही है जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और तमाम सारी आप योजनाएं देखिए चाहे आयुष्मान प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना हो प्रधानमंत्री आवास हो किसान सम्मान निधि हो अन्न की योजना हो ये किस प्रकार से घर घर तक पहुंची हुई है आज ये परिणाम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनता चाहती है कि उनके बीच में नेता भी हो और नीति भी रहे और केवल भारतीय जनता पार्टी। नेहा जी नेहा जी हिंदी हॉटलैंड में तो बीजेपी का शानदार प्रदर्शन है और ये बच गया हुडर सुमावली में बीजेपी की जीत हो गई है। सुमावली सीट भी बीजेपी ने जीती अदर सिंह कंसाना ने जीत हासिल कर ली है। बहुत बड़ी खबर सुमावली से। करैरा में भी बीजेपी की जीत हुई है करैरा सीट भी बीजेपी ने जीत ली है। तखतपुर से बीजेपी के धर्मजीत सिंह यहां से जीत चुके हैं। लगातार बीजेपी की जीत की खबरें भी अब आने लगी हैं। जो रुझान थे अब वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। सुमावली में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। एंदर सिंह कंसाना ये देखिए स्माइल के साथ उनका कटआउट और स्माइल की इमोजी। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तखतपुर से बीजेपी के धर्मजीत सिंह जीते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे भितरवार में कांग्रेस को मिली हार लाखन सिंह यादव हारे हैं तो कांग्रेस के लाखन सिंह यादव को शिकस्त मिली है। सुमावली से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है और हर सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी सवाल मेरा आपसे है सर क्या हिंदी भाषी राज्यों ने कांग्रेस को नकार दिया है सर? देखिए ये आपका विश्लेषण हो सकता है हम तो नहीं विश्लेषण नहीं मेरा सवाल है आपसे। नहीं आपके सवाल में जो आप हिंदी भाषी राज्य बता रही हैं हम तो सभी राज्यों को भारत का ही हिस्सा मानते हैं भारत को एक देश मानते हैं आप उसको अलग से बताना चाहती हैं तो आपका विश्लेषण नहीं मैंने अलग से बताया नहीं। जहां पर प्रमुखता साथ हिंदी बोली जाती है सर जहां जिन राज्यों में प्रमुखता के साथ हिंदी बोली जाती है दक्षिण भारत के राज्य भी भारत का ही हिस्सा है भारत को बांटिए मत। लेकिन मैं इतना कह रही हूं हिंदी हार्टलैंड को में क्या बीजेपी को स्वीकारा गया है जिस तरह से कांग्रेस को नकार दिया गया। इस देश की ज्योग्राफी में हिंदी हार्टलैंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं है ठीक है। जितने भी राज्य हैं सब बराबरी के राज्य और सभी भाषाओं का अपना मूल है। दूसरी बात मैं ये कहना आप बोल लीजिए आपको बोलना है जी। दूसरा मैं ये निवेदन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बार बार नैरेटिव चलाया जाता है ठीक है जीत गए हार गए सब अपनी जगह है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे बलरामपुर से वो जीते लखनऊ से हारे मथुरा से उनकी जमानत जब्त हो गई थी तो उन्होंने आज तक जो किया जो कहा वो फिर खारिज हो जाना चाहिए। वो मध्य प्रदेश जिसको आपने दलित आदिवासी अत्याचार में नंबर एक बना के रखा है वो मध्य प्रदेश जिसको आपने कुपोषण में नंबर एक बना के रखा है वो मध्य प्रदेश जिसको आपने बेरोजगारी में नंबर एक मिथुन जी मिथुन जी ये बातें आप जनता को क्यों नहीं बता पाए ये बातें जनता तक पहुंचाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए। जनता तक तो हमने ये भी बताया कि एनडीए के एलाए हैं जीतन राम वाजी वो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं आपने कितना अनुपात में बताया हम लोग ये भी देखेंगे। मेरा निवेदन ये है कि जनता के सामने हम सारी बातें रख रहे हैं लेकिन चुनाव के जो जीत के और हार के कारण होते हैं वो विश्लेषण का विषय है उसको हम लोग करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश में अगर इन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बताने वाली जो एक छात्रा है उसको पटवारी का टॉपर बना दिया तो वो सही हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों को गोली मारी गई तो वो जीत गए तो ठीक हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं कि मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों की जो हमने कर्ज माफी की इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया वो झूठ साबित हो जाता है क्योंकि ये जीत गए ऐसा सब नहीं है। जीत हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे हमारी पार्टी की ओर से कोई कमी मिथुन जी दिग्विजय सिंह जी के राज में भी सड़कों का क्या हाल था बिजली की व्यवस्था क्या हाल था ये सब हमने देखा है। नेहा जी मैं आपके पास अभी आपने हिंदी बेल्ट की बात कही तो मिथुन जी थोड़ा नाराज हो गए लेकिन बात तो सही है। राहुल गांधी जी बार बार कहते थे कि बीजेपी हिंदी बेल्ट की पार्टी है काउ बेल्ट की पार्टी है और उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर कहा था कि नहीं उन्होंने कहा झूठ मत बोलिए उन्होंने कहा था कि राज्यों का समूह है भारत कोई देश नहीं है भारत कोई देश नहीं है ये उन्होंने कहा था भारत राज्यों का समूह है ऐसा कहकर उन्होंने भारत देश का अपमान किया था। अरे इंडिया गठबंधन के आपके इंडिया गठबंधन के लोगों ने सनातन को गालियां दी राहुल गांधी जी ने आज तक नहीं किया को गाली राहुल
आक्रमकता की बात रही बात जी आप कर रहे ना, वो आक्रमकता का जवाब नहीं देने के अलावा अगर आपकी पार्टी कांग्रेस की, मैं सिर्फ आपको व्यक्तिगत हमला नहीं कर रही हूँ, अगर कांग्रेस सीखे ना बीजेपी से किस तरह जमीन पर काम किया जाना चाहिए तो शायद नतीजा अलग होता। जनादेश का सम्मान कीजिए सर, जनादेश का सम्मान। गाली देने के बाद आपने क्या किया? जितेंद्र मांझी की बात आप कर रहे थे, लेकिन आपके मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने जिस प्रकार का ठीक है, एक बड़ी खबर रोकना चाहूंगा आपको। बड़ी खबर यहां से आ रही थी, जबलपुर से जीते थे, पाटन से जीते थे यहां पर प्रत्याशी राजीव जी कहिए जी। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि जीतन मांझी ने क्या कहा, बार बार कह रहे थे, लेकिन इंडिया, हाँ लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जब सनातन को गालियां देते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से आज तक उसका विरोध नहीं किया। आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ने गालियां दी, स्टालिन ने गालियां दी सनातन को, यह संदेश है कि कांग्रेस पार्टी मैं अपना सवाल ही बदल देती हूँ, ठीक है? अब मेरी बात सुन लीजिए आप। हिंदी भाषी राज्यों ने नहीं नकारा कांग्रेस को बस, लेकिन दक्षिण भारत में जो कामयाबी आपको मिलती दिख रही है, वैसी ही कामयाबी या वैसी ही मोहब्बत की दुकान का असर आपका इन राज्यों में क्यों नहीं हुआ? जरा वो कारण जो आपने अब तक विश्लेषण किए होंगे या जाना होगा, जरा वो बता दीजिए। कई सारे राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये मोदी जी की गारंटी की बात हो रही थी, मतलब शिवराज जी की गारंटी का कोई मूल नहीं है। मोदी जी कह रहे थे कि मैं आऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी। अब आप फिर उन पर आ गए। मैंने कहा ना, जब बच्चा परीक्षा में कम लाता है तो मेरा जवाब समग्र रूप से नहीं आ पाएगा। मैं जाना चाह रहा हूँ हिमाचल पे, जिसमें मोदी जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी गारंटी को जनता ने नकार दिया। मैं जाना चाह रहा हूँ कर्नाटक पे, जिस पर मोदी जी की गारंटी पर जनता ने यकीन नहीं किया। मैं आ रहा हूँ मध्य प्रदेश पे, इसी मध्य प्रदेश में 2018 में जनता ने यकीन नहीं किया। मैं आ जाऊंगी 19 पर आपको नकार दिया। ओम माथुर कुछ कह रहा है सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, ये जीत का श्रेय पूर्ण रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल नेतृत्व को जाता है। सारी जो भी हमने योजनाएं लागू की है, जो भी हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, ये गारंटी मोदी की गारंटी है, इस अनुसार सारी लागू होगी। कांग्रेस के सारे मंत्री, अब मैं सोचता हूँ एक दो रह गया वो भी हार जाना चाहिए था, फिर कैसे रह गया वो हमारे विश्लेषण का विषय। मुख्यमंत्री कौन होंगे, इंतजार करिए आप इसका। देखिए कांग्रेस पहले दिन से ही अपने आप में घुसी हुई थी, पूरे 5 साल तक सिर्फ मैं, मेरा परिवार और गांधी परिवार को कैसे खुश रखना उसी में लगी रही। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नहीं थी, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा कस के कांग्रेस का बदला लिया। चलिए ओम माथुर यहाँ पर कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन राजीव जी आपसे सवाल रहेगा कि जब सीएम के चेहरे की बात आती है तब हर कोई ये क्यों कह देता है कि हाईकमान तय करेगा या संसदीय बोर्ड तय करेगा, क्यों नहीं रखा गया सीएम के चेहरे को आगे? देखिए हर चुनाव में अलग अलग रणनीतियां रहती है। अगर कभी हमारी रणनीति रहती है कि डॉक्टर साहब को आगे किया जाएगा, कभी रणनीति रहती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में, पहले बैनर लाइन था भूपेश है तो भरोसा है, आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार, हमारी रणनीति शुरू से रही है। ठीक है राजीव जी, लेकिन सवाल है आपसे, देखिए अभी क्योंकि नंबर्स आपके फेवर में है ना, तो इसलिए आप जो बोलेंगे वो सही लगेगा, ऐसा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो आवाम आपको जनादेश देती है, क्या उस आवाम का इतना हक नहीं बनता कि पहले से उसे पता हो कि अगर हम इस पार्टी को जीत दिलाएंगे तो हमारा मुखिया कौन होगा या प्रदेश का मुखिया कौन होगा? इतना तो हक बनता है ना सर। देखिए प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुना जाता है अलग अलग क्षेत्रों से, ये कोई अमेरिकन फेडरल सिस्टम नहीं कि एक आदमी के लिए जनता चुने, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, सामूहिक रूप से
जो विधायक दल है वो तय करता है और पार्टी का केंद्र नेतृत्व तय करता है, इसमें जनता की बात, ये तो जनादेश है। मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है, मेरे कांग्रेस के मित्र बार बार जनादेश, राजीव जी कहीं ऐसा जनादेश दिया है, वो बार बार कह रहे हैं राजीव जी, मध्य प्रदेश, राजीव जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चेहरे को आगे कर दिया तो शायद परिणाम कुछ और होते या आपके अनुकूल ना होते, ऐसा सोचा होगा बीजेपी? नहीं नहीं नहीं, देखिए सामूहिक भारतीय जनता, कांग्रेस पार्टी लीडर वाइज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी काडर वाइज पार्टी है। जब काडर चुनाव लड़ता है तो किसी एक के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमारी जो नीति और नियत है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की प्रखर नींव रखी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की योजना रखी, वो हमारा मूल मंत्र है। और भारत हमारे देश है, हम भारत माता को परम वैभव की शिखर पर ले जाएंगे, इस बात पर हम जाते हैं जनता के पास में। तो यही हमारी जो आइडियोलॉजी है, इस पर हम काम करते हैं। कांग्रेस अधिनायकवाद की बात करती है कि गांधी परिवार, गांधी परिवार का त्याग तपस्या बलिदान, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू हो गई है। मशीन को अलग रखा है, मशीन और मतपत्र लेखा पे जो मतों की संख्या है उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन इन सभी की गिनती हो जाएगी एक बार जो पर्याप्त रूप से जो मशीनें हैं जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं है उनकी गिनती एक बार पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर इनकी गिनती भी कर लेंगे नियमानुसार जो भी प्रावधान होगा। इसके अलावा कहीं से कोई मतगणना रोकने जैसी या काउंटिंग में कोई व्यवधान हो मतगणना केंद्र पे, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं। नहीं, शाजापुर की जो घटना है उसमें जो मतदान का जो मार्जिन है वो कम, सॉरी मतदान कह रहा हूँ, काउंटिंग का जो मार्जिन है वो कम था, तो उन्होंने जो पोस्टल बैलेट जो रिजेक्ट होते हैं उससे कम संख्या अगर हार जीत की होती है तो पोस्टल बैलेट्स जो रिजेक्ट होते हैं उसको रीवेरीफाई करते हैं, तो कार्रवाई अभी चल रही है। धार के धर्मपुरी में कोई बैलेट पेपर जो डाक पोस्टल बैलेट पेपर उसका कोई वो पेटी का कुछ, वो तो कल वाली पुरानी बात हो गई। हाँ, मैंने मतगणना से उसका संबंध नहीं है, वो कल जब उसको ले जा रहे थे तो उसका जो ताला है और जो उसका कुंडा जो होता है उस... तो बिल्कुल निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका कहना था कि कहीं कोई गड़बड़ी की ऐसी जानकारी फिलहाल नहीं है। नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी, मेरा सवाल यही रहेगा आपसे जो छत्तीसगढ़ को लेकर था कि सीएम के चेहरे को आगे नहीं किया गया, नारा दिया गया एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और उसके बाद आप देख रहे हैं जिस प्रकार का मैंडेट आ रहा है, इसका स्पष्ट मतलब है कि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जन कल्याण होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो गरीब कल्याण होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सर्वसमावेशी समाज होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जातियों में नहीं बांटा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो केवल चार ही जातियां चलेंगी, एक गरीब, एक महिला, एक किसान और एक युवा। ये बहुत स्पष्ट था जनता के मन में कि हमें किस पार्टी को लेकर आना है, उसका नेतृत्व जो तय करेगा वो हमें स्वीकार होगा, इसीलिए जनता ने इस प्रकार का मैंडेट दिया है। और कैडर बेस्ड पार्टी इस प्रकार से चुनाव लड़ती है और हर चुनाव की अपनी विपक्ष इसलिए सवाल उठाता है नेहा जी कि क्या आपके पास पीएम मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं? बिल्कुल है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आप जिन दिग्गजों की बात कर रहे थे वो दिग्गज केवल अपनी सीट नहीं जीते, संभाग के संभाग जीत कर ला रहे हैं, पूरे प्रदेश में उसका इम्पैक्ट हुआ है, एक संभाग छोड़िए आजू बाजू की सीटों पर भी इम्पैक्ट हुआ है, और इसीलिए इतना भव्य दिव्य जो परिणाम दिख रहा है ये उसी का कारण है। यही कैडर की ताकत होती है, यही जो सामूहिक नेतृत्व जब काम करता है ये दिखाई देता है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस के पास इतनी स्पष्टता थी तो जो भूपेश बघेल पूरे होर्डिंग पर दिखते थे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया वो इतनी छोटी सिमट क्यों गई? क्यों नहीं स्पष्टता से कहा कि भूपेश बघेल ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे? जो कमलनाथ अपने आप को स्वयंभू बता रहे थे जब उनके चुनाव कैंपेन के लिए सुरजेवाला जी ने आके मध्य प्रदेश में कैंप किया तो उन्होंने क्यों कहा कि हमारा नेतृत्व तय करेगा, अभी तय नहीं हुआ है? क्यों राजस्थान में गहलोत और पायलट जी के बीच में लगातार टक्कर चलती रही, उसमें कैंपेन में टिकलियों की तरह क्यों लगाने पड़े सारे नेताओं को? तो ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने तरीके से प्रोजेक्शन किया जाता है। ठीक है, वर्मा जी बहुत शांत बैठे हुए हैं आप,
ये कौन सी रणनीति है? पूरा चुनाव अभियान आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, अभी जो भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ के ऊंचा कुचक के श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे चुनाव अभियान में गायब थे। छत्तीसगढ़ में पूरा फोकस भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार, 50 मंत्री आए 2 महीने के अंदर, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। और ये सुन लीजिए, निश्चित तौर पर संख्या बल में भले रुझान में आप आगे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात की गवाह है कि पूरी तरह से यह षड्यंत्रों पर आधारित राजनीति की है। जिस तरह से ईडी और आईडी केंद्रीय एजेंसियों, ये भाजपा के नेता पटकथा लिखते थे और अगले दिन जो है ईडी ट्वीट करती थी, और जो षड्यंत्र रचे गए, चाहे वो गोठान घोटाले के नाम पर ये बदनाम करने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर चलिए फार्म भरवाए, माता बहनों के नंबर जो है कूड़ेदान में फेंके गए। ठीक है, कहीं कहीं ईवीएम का ईवीएम 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 बदनाम होने से बच गए थे, ईवीएम बदनाम होने से बच गए। ठीक है, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। नीति और नीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन अभी हमें यहां फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइए। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।